हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कुष्मांडा HCS एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं MCQ क्वेश्चंस को, देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और किस हिसाब से क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा जो है मिक्स फर्टिलाइजर है, यूरिया, CAM, अमोनियम सल्फेट या फिर NPK। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है NPK। NPK एक मिक्स फर्टिलाइज़र है, वेयर एज यूरिया और कैम यानी कि कैल्शियम अमोनियम माइलोडेट और अमोनियम सल्फेट जो है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर NPK होगा, क्योंकि NPK इनमें से मिक्स फर्टिलाइजर्स हैं, बाकी जो है वो स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन द फास्ट आर when the fats are reached with alkaline they form soap, the type of reaction taking place in the formation of soap is called soap। होते बनते समय जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, फॉर्म होने की, जब आप सोप फॉर्म करते हैं तो उस जो है प्रोसेस या उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एमल्सिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, हेलोजनेशन, ऑक्सीडेशन। इसका करेक्ट आंसर है बी यानी कि सपोनिफिकेशन। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, जो केमिकल रिएक्शन जब आपके फैट्स जो है एल्कलीन के साथ रिएक्ट करते हैं और सोप क्रिएट करते हैं तो उसे सपोनिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, हार्ड सोप कॉमन बार सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, सॉफ्ट सोप्स आर पोटेशियम सॉल्ट्स एंड द फैटी एसिड्स आर सेमी सॉलिड इन नेचर। अब हमें बताना है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शंस जो है वो है या तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी जो है उसमें सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी ये कहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और डी कहता है कि दोनों ही गलत हैं। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, यानी कि बोथ वन एंड टू दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। इस बार आपको चार स्टेटमेंट दी हुई हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन सोप कंज्यूमिंग पावर, टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बायकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉलिंग। अब हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारी करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। ऑप्शन सी है सेकंड और थर्ड करेक्ट है। ऑप्शन डी है थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। अभी सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एंड येस, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉलिंग, ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सोप। सोप के बारे में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सोप आर बायोडिग्रेडेबल, सोप कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक मीडियम, सोप फॉर्म अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेशन विद हार्ड वाटर, सोप आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन द क्लेंजिंग एक्शन देन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि सोप्स आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन देयर क्लेंजिंग एक्शन देन सिंथेटिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, लाइम इज समटाइम्स अप्लाइड टू सॉयल इन ऑर्डर टू, लाइम सॉयल पर अप्लाई करा जाता है किस लिए, टू इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉयल, टू इंक्रीज एल्कलिनिटी ऑफ सॉयल,
मेक सॉइल मोर पोरस या फिर रिस्टोर नाइट्रेट्स ऑफ द सॉइल, इनमें से किसके लिए यूज़ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि इंक्रीज एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल। और इसका जो है स्टेटमेंट ये है कि लाइम बीइंग एल्कलाइन इज अप्लाइड टू एसिडिक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, ट्रिपल फॉस्फेट इज अ, ट्रिपल फॉस्फेट क्या होता है? मिक्स फर्टिलाइजर या फिर नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर, पोटैश फर्टिलाइजर या फिर नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, यानी कि नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, द कॉमनली प्रेजेंट एलिमेंट इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर, कॉमनली प्रेजेंट एलिमेंट जो होते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में कौन से हैं? नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सोडियम, कैल्शियम पोटेशियम एंड सोडियम या फिर ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स, इनमें से कौन सा नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स की तरह यूज नहीं हो सकता? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, CaCN2, NH4NO3, HNO3, NH2, CONH2। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, यानी कि NHO3। CaCN2 नाइट्रोलिम होता है, NH4NO3 जो है अमोनियम नाइट्रेट, एंड NH2 CONH2 जो है यूरिया आर एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज म्यूरिएट ऑफ पोटाश, KCl, K2SO4, KNO3 या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, यानी कि KCl। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन मस्टर्ड, राइस, ग्राम्स या कॉटन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ जो नोड्यूल्स होते हैं उन्हें, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मस्टर्ड में, राइस में, ग्राम में या कॉटन में? इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि मस्टर्ड में। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ ग्राम फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका आंसर मस्टर्ड नहीं था, आई एम रॉन्ग, इसका आंसर ग्राम होना चाहिए था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स इज नॉट वेरी इफेक्टिव इन एसिडिक सॉइल, इनमें से कौन सा नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर जो है वो एसिडिक सॉइल में इफेक्टिव नहीं है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया या फिर नाइट्रोलियम, कैल्शियम, साइनामाइड। इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, यानी कि अमोनियम सल्फेट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमोनियम सल्फेट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 विच मेक्स सॉइल एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, विटामिन ए इज प्रेजेंट इन, विटामिन ए किस में प्रेजेंट होता है? कॉड लिवर ऑयल में, कैरेट में, मिल्क में या फिर इन सभी में? इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन, एग्जॉबिक एसिड इज अ विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम या कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर ए होना चाहिए, यानी कि विटामिन, एग्जॉबिक एसिड एक विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज, विटामिन बी की कमी क्या जो है कॉज कर सकती है? बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर है ए, बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, विटामिन सी की डेफिशिएंसी में क्या होता है? स्कर्वी, रिकेट्स या फिर
पायरिया या फिर परनीशियस एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स। रिकेट्स कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है रिकेट्स कॉज करती है, इसलिए विटामिन डी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है? बीन्स, पल्स, ऑरेंज या कैरेट। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि कैरेट। कैरेट जो है बेस्ट सोर्स है विटामिन ए का। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज सॉल्यूबल इन वाटर। कौन सा विटामिन जो है वाटर में सॉल्यूबल है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, टॉयलेट सोप इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, या फिर फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, या फिर फेनल एंड ऑलिव ऑयल। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि पोटेशियम सॉल्ट एंड फैटी एसिड्स। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आपको डेली ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। इससे पहले अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल या फिर हमारे क्लासरूम कोर्सेज के बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।